दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की बहुत ही जबरदस्त रेमेडी दे रहा हूँ। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, जानकारी को अच्छे से समझिएगा, जो भी रूल्स बताए जाते हैं उनको फॉलो करिए, उसके बाद इस रेमेडी को आप करिए। 100% जिस व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं वो आपके टोटल वशीकरण हो जाएगा। एक मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक बता रहा हूँ। अगर जो लोग बड़ी बड़ी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, रेमेडीज नहीं कर सकते, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक जरूर आजमानी चाहिए। स्क्रिप्टिंग जो होती है ये एक एनर्जी का फ्लो करती है। हमारा जो यूनिवर्स है, किसी भी चीज को अगर हमारी नीड है, हम किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, लव मैरिज हो सकती है, कोई पर्सन को अपनी लाइफ में लाना है, तो स्क्रिप्टिंग जो होती है लिखना, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से वर्क करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक बता रहा हूँ, इसे किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे जस्ट सो करके, सुबह जब सो करके उठते हैं तब करें, और रात में जब सोने जाने लगते हैं तब करें, तब इसका मिरेकुलस रिजल्ट मिलता है। नहीं तो दिन में जिस भी टाइम को आपको लगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में हैं, हैप्पी मूड में हैं, तो आप इससे रेमेडी को करें। मैं दो रेमेडीज दे रहा हूं, एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और एक तांत्रिक क्रिया आपको दे रहा हूं, दोनों में से जो आपको सही लगता है। एक कोरी कॉपी आपको ले लेनी है, एक डायरी जो पर्सनल आपकी होगी, आपके अलावा कोई भी उस डायरी को रीड ना करे, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके आउटसाइड में एक एनर्जी का सर्कल बनना शुरू हो जाता है, और ये चीजें क्या होती हैं, सीक्रेट होना चाहिए। किसी कोई और उन चीजों को पढ़ लेता है तो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो वर्क नहीं करती है। तो एक कोरी एक डायरी आपको ले लेनी है बिना यूज की हुई, और एक रेड कलर का आपको पेन ले लेना है। किसी भी दिन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और कंटिन्यू आपको कम से कम 21 days या 41 days आपको करना है, ठीक है। रिजल्ट आपको 7 days 11 days में ही समझ में आने लगेगा, परिवर्तन दिखने लगेगा। 41 days आपने कंटिन्यू कर लिया तो आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाएगा जिसके लिए आप इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आप एक कोरी डायरी लें, कॉपी लें, उसके ऊपर आपको लिख देना है श्री गणेशाय नमः, रेड कलर का पेन आपको यूज करना है। फिर आपको लिख देना है आकर्षण का जो मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। फिर आपको ग्रेटिट्यूड करना है ब्रह्मांड को, यानी कि यूनिवर्स को, तो तीन बार लिख देंगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद में जो भी आप जितने बार लिख सके, 21, 51 या 108 times आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, ये व्यक्ति मेरे से बहुत प्यार करता है, या ये व्यक्ति मेरे बिना नहीं रह सकता है, ये व्यक्ति मेरे बिना बेचैन रहता है। उसका नाम लिखें, प्रेजेंट टेंस में लिखें, ठीक है। ये आप कंटिन्यू 21 days करिए। अगर दो टाइम कर लें, एक तो सुबह उठ करके और रात में सोते समय, तब तो और भी समझ लीजिए 11 days में इसका रिजल्ट समझ में आने लगेगा। स्क्रिप्टिंग करने से बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट आता है, तो ये आप करके देखिए। अब दूसरा एक तांत्रिक क्रिया आपको दे रहा हूं, लेकिन दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, जिस भी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है। अगर उस व्यक्ति के ऊपर में किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया है, ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक प्रोटेक्शन है, या किसी भी तरीके से उसका वशीकरण पहले से है, तो नॉर्मल विधि से आप उसका वशीकरण नहीं कर सकते। और ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा शावर मंत्रों से विशेष अनुष्ठान किया जाता है। शावर मंत्र बहुत ही पावरफुल होते हैं। हमारे पास में जो शावर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथ पंथी द्वारा पूर्ण शावर मंत्र प्राप्त हैं, जो कि मिरेकुलस रिजल्ट देते हैं। तो यदि आप लोग काफी टाइम से यदि किसी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया पहले से है। तो नॉर्मल विधि से आप उसको वशीकरण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज की जो विधि बता रहा हूँ, इसमें कुछ सामान की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं, पान के पत्ते एकदम फ्रेश लेने हैं, और डंठल जो होता है उसका डंडी वो लगी हुई होगी, वो तोड़ना नहीं है, बिल्कुल हरे सुंदर से पान आपको लेने हैं, ठीक है। 11 आपको लेनी है इलायची, और 11 आपको लेनी है काली मिर्च, काली मिर्च के दाने, ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ में आपको लेना है, अगर उस व्यक्ति का फोटो अवेलेबल है तो एक फोटो ले लें, और आपका फोटो भी ले लें, पासपोर्ट साइज का चलेगा। फोटो नहीं है तो अगर आपका फोटो उसका उस व्यक्ति का फोटो नहीं है तो एक बिना लाइनिंग वाले प्लेन पेपर पर उस व्यक्ति का रेड कलर से नाम लिख दें और रेड कलर से अपना नाम लिख दें, 2 कागज बना लें, ठीक है। और इसके साथ में आप इस प्रयोग को किस दिन करेंगे, सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में। समय क्या रहेगा, 11 से 1 का रात्रि, शुद्ध तन मन के साथ में आपको इस प्रयोग को करना है, इस रेमेडी को करना है, ठीक है, एकदम स्वच्छ कपड़े पहन करके।
जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान बर्थ चार्ट के हिसाब से चाहते हैं, पति पत्नी मन मन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्ज की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम आ जाती है, उनका बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग या पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7-11 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो देखिए रात्रि में बुधवार के दिन में, सोमवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में रात्रि 11 से 1 के बीच में किसी एकांत जगह में इस प्रयोग को करें। अपने टेरेस में कर सकते हैं, अपने एकांत रूम में कर सकते हैं। एक बाजोट पटरा लगाएं, खुद भी जमीन पर नहीं बैठना है, सामग्री को भी जमीन पर नहीं रखना है। सिर पे कपड़ा जरूर रखें, घी का दिया जरूर जलाएं। दिया साक्षी होता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अग्नि साक्षी होती है और सूर्य का प्रतिनिधित्व दिया करता है। ठीक है, धूप वगैरह जला सकते हैं गुलाब का, और उसके साथ में 2 पान के पत्ते जो लिए हैं तो 1 पान के पत्ते में अपना नाम रेड मार्कर से लिख देंगे और 1 पत्ते में उस व्यक्ति का नाम रेड मार्कर से आपको लिख देना है। अब यदि फोटो अवेलेबल है तो दोनों के ऊपर फोटो रख दें, एक तरफ अपनी एक तरफ उसकी, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ अपनी फोटो रख दें और जहां पर उस व्यक्ति का नाम लिखा उसकी फोटो रख दें। और यदि फोटो नहीं है तो नाम रख दें, जो नाम अपने रेड मार्कर से लिखा हुआ वो नाम लिख के रख दें। अब उसके बाद में 1 काली मिर्च और 1 आपको उठाना है इलायची और 1 मंत्र आपको पढ़ना है, ओम क्लीम कामदेवाय नमः अमुक वसम कुरु स्वाहा। ओम क्लीम कामदेवाय नमः, अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम देंगे, वशम कुरु स्वाहा। अब ये क्या करना है, 1 आपको रख देनी है जिस व्यक्ति का आपने नाम लिखा उसके फोटो में। फिर 1 उठाएंगे तो ओम क्लीम कामदेवाय नमः अमुक वसम कुरु स्वाहा अपने नाम में रख देंगे। ऐसे करके 10 इलायची जो होंगी 5 उसमें 5 इसमें आप रख देंगे। अब 2 1 इलायची और 1 काली मिर्च आपको अभी रखे रहने देना है। अब ये पत्ता जो होगा, इन दोनों पान के पत्तों को आपको फोल्ड करके बीड़ा बना करके और इसमें क्या करना है, इसको किसी लाल मौली से आपको बांध देना है दोनों को। ठीक है, अलग अलग बांधेंगे, फिर दोनों को आपस में ज्वाइंट करके दोनों को आपको बांध देना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इसके बाद में दोनों पत्तों को सीधे हाथ में लेंगे, 1 लौंग इलायची जो बची हुई थी वो सीधे हाथ में रखेंगे इन्हीं पत्तों के साथ में, और इसी मंत्र का 251 टाइम्स, मंत्रों की काउंटिंग बहुत ध्यान से करनी है। 251 मतलब कि 250 ना हो, 252 ना हो। अगर तांत्रिक क्रियाओं में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती, अगर गलती करेंगे रेमेडी आपकी फेल हो जाएगी, रिजल्ट नहीं देगी। अब आपने क्या करना है, जो सीधा हाथ में लिया तो ओम क्लीम कामदेवाय नमः अमुक वशम कुरु स्वाहा उस व्यक्ति का नाम लेके 251 टाइम्स इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। कोई रेड कपड़ा, लाल कपड़ा बिना यूज किया हुआ इसमें आपको रख करके, इसको फोल्ड करके और अपने तकिए के नीचे रख करके आपको सो जाना है। ये बुधवार को कर रहे हैं तो रात्रि में आपने कर लिया, तकिए के नीचे रख दिया। अब गुरुवार के दिन में सुबह में उठ करके शुद्ध तन मन के साथ में, जब आप नहा धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं अच्छे से, तो स्वच्छ कपड़े पहन करके इसको उठा करके ले जाना है कि किसी बहते हुए जल में, या नदी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कोई भी प्राकृतिक जल मिल जाए तो वहां पर इसको लेकर लेकर के जाना है और इसको विसर्जन कर देना है, बहा देना है। काफी लोग बोलेंगे कि हमारे आसपास तो जल है नहीं, तो आप कोई भी पूजनीय वृक्ष जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, आंवला हो गया, नीम हो गया, या कोई भी सघन वृक्ष, छायादार वृक्ष या फलदार वृक्ष, उसके नीचे इसको दबा करके आपको आ जाना है। अब जब दबाने जा रहे होंगे तो घर से निकलते हुए उस वृक्ष तक जाते हुए और उस वृक्ष से घर तक आते हुए आपको किसी से बात नहीं करना है, मौन होकर के प्रयोग करना है। जिस दिन प्रयोग करेंगे कुछ नियम आपको फॉलो करने हैं, नॉनवेज ड्रिंक अल्कोहल आपको अवॉइड करना है, कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है उतार करके प्रयोग करना है। महिलाएं वृद्ध पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं, महिलाएं अशुद्धि वाले दिन प्रयोग नहीं करेंगे, पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करना है। ठीक है, शुद्ध तन मन के साथ में करना है ये रेमेडी दोस्तों। करने के बाद में 21 डेज तक उस व्यक्ति से आपको अपने तरफ से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं करना है। ठीक है, वो व्यक्ति ही आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। अगर आपने अपने तरफ से उस व्यक्ति को कॉन्टेक्ट किया
तो आपकी रेमेडी फेल हो जाएगी। जैसे आपने बुधवार के दिन किया तो बुधवार से 21 डेज तक अपने तरफ से कोई भी कॉन्टेक्ट आप उस व्यक्ति से नहीं करेंगे, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति होगा, बस यह है कि वो व्यक्ति आपसे परिचित हो, आपको जानता हो। ये नहीं कि आपने किसी की फोटो उठा ली और किसी को वशीकरण करने लगे, नहीं, उसके दिमाग में आपके थॉट्स होने चाहिए, आपको वो जानता हो, तभी ये रेमेडीज वर्क करती हैं। तो मैंने दो रेमेडीज आपको बताई है, एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और दूसरा आपको दी है तांत्रिक क्रिया। दोनों में से जो रेमेडी आपको सही लगती है वो आप करिए, लेकिन दोनों के जो रूल्स आपको बताए उनको फॉलो जरूर करना, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति को वशीकरण करना चाह रहे हैं तो उसका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना आवश्यक है। उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की तांत्रिक प्रोटेक्शन होगी, किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक होगा, आप नॉर्मल विधि से उस व्यक्ति का वशीकरण नहीं कर सकते। ऐसी विधि में यदि मेरे से विधि करवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा शावर मंत्रों से बहुत ही पावरफुल विधि की जाती है, जो 7 डेज 11 डेज में चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। तो मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, विधि करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और एक विशेष बात दोस्तों, कि हमारे द्वारा शावर मंत्रों से कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। शावर मंत्र जो होते हैं बहुत ही दुर्लभ होते हैं। हमारे पास में जो शावर मंत्र हैं, पूर्ण शावर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा प्राप्त हैं। तो राहु यदि आपके बर्थ चार्ट में अनबैलेंस है तो ये समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में दुर्घटनाएं होंगी, आपका माइंड अपसेट रहेगा, कहीं भी आपकी कोई भी काम आपका बनेगा नहीं, 99% तक काम बनेगा लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम आएगी, वो काम आपको रुक जाएगा, ठीक है। धन हानि, मान हानि, बच्चे गलत संगति में पड़ना, ग्रह कलेश होना, सभी कार्यों में रुकावट, ऐसी परेशानी राहु देते हैं। राहु यदि बैलेंस है तो ये समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ दिलवाते हैं, सक्सेस, ग्रोथ दिलवाते हैं। तो राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा शावर मंत्रों से 18 से 28 दिन की विशेष पूजा होती है। 18 दिन में ही आपको अमेजिंग चेंजेस नजर आने लगेंगे। इसके अलावा शनि राहु केतु से संबंधित बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो इनको बैलेंस करने के लिए 28 से 41 डेज की विशेष पूजा शावर मंत्रों से होती है। नौ ग्रहों को बैलेंस करना है बर्थ चार्ट में तो 41 डेज से 3 मंथ की, 3 महीने की विशेष पूजा शावर मंत्रों से होती है। इसके अलावा जो लोग कर्जवान है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही, काफी उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो शावर मंत्रों का 3 महीने का विशेष शावर अनुष्ठान है, जिसमें की गारंटी से आपका बड़े से बड़ा कर्ज 3 महीने समाप्त हो जाता है। काफी लोग क्या है कि रेंट के मकान में रहते हैं, खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं, खुद के घर के योग नहीं बन रहे हैं, तो शावर मंत्रों का विशेष अनुष्ठान है जिसमें 3 महीने में गारंटी से आपके खुद के घर के योग बन जाते हैं, खुद के घर प्राप्त कर सकते हैं। शावर मंत्र का 3 महीने का विशेष शावर अनुष्ठान है, मेरे काफी क्लाइंट्स हैं 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति इस शावर मंत्र की पूजा से की है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि पूजा की नीड है आप पूजा बुकिंग करा सकते हैं। सभी पूजाओं के पॉजिटिव फीडबैक मेरे पास में है, काफी क्लाइंट्स हैं जिन्हें पूजा कराई है, अमेजिंग रिजल्ट है। तो किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं आप व्हाट्सएप में कंसल्ट करें और पूजा बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। आज की जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे, जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे, शेयर जरूर करें। मेरे से किसी भी प्रकार के कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।